एवरीबॉडी, मम्मास किचन डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरी मम्मी की एक वेजिटेरियन रेसिपी जो है पम्पकिन की सब्जी। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। डाइस किया हुआ पम्पकिन, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून कलौंजी, ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज टुगेदर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैं डाल रही हूँ। गरम तेल में अभी मैं कलौंजी डालती हूँ, रेड चिलीज को ब्रेक करके इसमें डाल रही हूँ, स्लिट किया हुआ ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ ताकि ये अपना तीखापन तेल में छोड़ सके। अभी ये डाइस पम्पकिन में ऐड कर हल्दी पाउडर, नमक स्वाद, अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चों को पम्पकिन खाना पसंद नहीं होता है। मेरा भी वही हाल था, बचपन में मुझे पम्पकिन बिल्कुल पसंद नहीं आता था। फिर मेरे मम्मी ने ये डिश मुझे बना के खिलाया, मुझे बहुत ही पसंद आया और आज मैं ये मैंने अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में ढक के रखेंगे। पांच मिनट के बाद देखते हैं, पम्पकिन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और अभी हम इसमें कोकोनट ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, ये डिश में हम पानी नहीं डालते। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऑप्शनल है, मेरी मम्मी शुगर इसलिए ऐड करती थी ताकि वो सॉल्ट का जो टेस्ट है उसको बैलेंस कर सके। हमें तब तक भूनना है जब तक कोकोनट अपना नेचुरल ऑयल ना छोड़े। पम्पकिन को हम स्पैटुला से थोड़ा ब्रेक करेंगे। ये डिश आपको एकदम लो फ्लेम में बनाना है, इसका ध्यान रखें। अब देख सकते हैं कि कोकोनट अपना नेचुरल ऑयल छोड़ रहा है, इसका मतलब हमारा डिश तैयार हो चुका है। अगर आपको ये डिश पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी इसको सर्व करते हैं।
इसे दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं। थैंक यू।